हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरा चैनल सुष्मिता मंग रेसिपी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिंडे का अचार विथ आलू ढाल के। तो ये मैं कैसे बनाऊँगी, आइए वीडियो शुरू से देखते हैं। तो चिंडे को मैंने पानी में बॉईल करने के लिए ढाल दिया है, तो ये उबल रही है। तो इसको थोड़ी देर पकाने के बाद निकाल के फिर इसका हम अचार बनाए। तो अभी हमारा ये चिंडे हो चुका है। तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इतना बस काफ़ी है। थोड़ी देर के लिए पकने के छोड़ देंगे, उसके बाद उतारेंगे। यहाँ पे आलू बॉईल करके रखा है चिंडे में मिक्स करके अचार बनाने के लिए। और मैंने अचार में ढालने के लिए पीला वाला तोरी, जीरा और धनिया ये सब मिला के मैंने भूनने के लिए कढ़ाई में ढाल दिया है। तो इसको अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही लाजवाब का होता है। तो इसलिए मैंने ये तीनों को मिक्स करके चिंडे का अचार में ढालने के लिए बन रही हूँ। तो ये अब हो गया है अच्छे से। गैस को कर देंगे ऑफ। चिंडे को मैंने इसको छील के अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऐसा कट करके रख दिया है। तो आलू भी मैंने कट कर लिया है, इसको हम ऊपर में डाल देंगे, इसके ऊपर में डाल देंगे। और हमने यहाँ पे प्याज और टमाटर कट कर लिया है, तो इसको हम तेल में पकाएंगे। तो हमने प्याज और टमाटर को तेल में पकाने के लिए डाल दिया है। इसको पकाएंगे, अच्छे से नहीं पकाएंगे इसको, इसको थोड़ा हाफ बॉईल करेंगे। इसको पकाने के बाद हम वही तेल में जाके ढाल देंगे जहाँ पे हमने चिंडे और आलू एक साथ में रखा है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसी के ऊपर में ये हम डाल देंगे। बहुत गर्म है कढ़ाई। और जो हमने मसाला भून के रखे थे उसको हमने पीस लिया है, तो इसको भी हम डाल देंगे इसके ऊपर से। और मैंने यहाँ पे मिर्च भी पीस लिया है। ये मिर्च, ये मसाला जो पीसा हुआ सिलौटा था इसमें पीस लिया था, तो काला कलर का आ गया। तो मैंने मिर्च पीस लिया 15 पीस लिया, क्योंकि बहुत सारा अचार साँधने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ इसीलिए। तो ये नमक और मिर्च मैंने एक साथ पीस लिया है, तो इसको भी हम डाल देंगे। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। नहीं, हाथ से मिक्स कर लूँगी। तो फाइनली मैंने मिक्स कर लिया है अचार को अच्छे से। तो इस टाइप का लुक्स आ गया है हमारे सामने अचार का, बहुत ही तीखा बना है।